हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो मेरी पहली वीडियो थी सात्विक डाइट के ऊपर, उसको बहुत पसंद किया। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली अपनी डे टू और डे थ्री की जर्नी को। मैं खाना बनाते हुए तो नहीं शूट कर पाई हूँ, लेकिन मैंने पिक क्लिक्स की हैं मैंने किस टाइम पर क्या खाना खाया है उन सब चीज़ों की। सो मॉर्निंग में गर्म पानी पीने के बाद मैंने लिया था एक गिलास घिया का जूस ब्रेकफास्ट से पहले। ब्रेकफास्ट मैंने किया था लगभग 11 बजे के करीब, जिसमें मैंने दो एप्पल लिए थे। लंच में मैंने ली थी दो पालक की रोटियां और चटनी और गुड़। लंच की जो टाइमिंग है वो सात्विक डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग 2 बजे की है, लेकिन वो टाइमिंग मुझे सूट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने लंच की टाइमिंग को थोड़ा चेंज कर दिया है और मैं लंच 12:30 बजे करती हूँ। मिड मील में मैंने लिए हैं 5 भीगे हुए बादाम, एक मैं पहले ही खा चुकी हूँ पिक क्लिक करने से पहले। डिनर मैं करती हूँ 7 बजे, और डिनर में मैंने खाया था गेहूं की रोटी और आलू और शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी और ये दो सात्विक लड्डू। ये जो सात्विक लड्डू आप लोग देख रहे हैं, इनकी रेसिपी मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। ये सात्विक लड्डू बहुत टेस्टी बने थे और मेरा कुछ मीठा खाने का मन था, तो इसीलिए मैंने इनको बनाया था। तो अब बारी आती है डे थ्री की। डे थ्री में मैंने मॉर्निंग में लिया था घिया का जूस, वही मैंने बहुत सारे घिया पहले से ही लाकर इकट्ठी कर दिया ताकि मेरे को रोज़ रोज़ मार्केट ना जाना पड़े। ब्रेकफास्ट में मैंने वही एप्पल खाए थे। तो डे थ्री के लंच में मैंने सात्विक सब्जी और रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए स्पेशली कुक करूं और सात्विक सब्जी रोटी बनाऊं, इसलिए मैंने जो घर पर सब्जी रोटी बनी थी वही खा ली थी। और हमारे घर पे जो सब्जी बनती है वो बिना तेल और घी के बनती है, तो इसीलिए ये एक तरह की सात्विक सब्जी ही है। मिड मील में मैंने लिए थे 6 भीगे हुए बादाम। डे थ्री के डिनर में मैंने लिया था उबले हुए छोले, टमाटर और खीरे का सलाद। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।